4:20 हो रहा है रात के और हमारे मेडिकल में फेविकॉल लेने। जी एक्सक्यूज मी जी, फेविस्टिक चाहिए था। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। तो अभी हो रहा है रात के 3:30 या सुबह के 3:30, आपको जो बोलना है बोलो यार, बट राइट नाउ इट्स 3:30 AM। तो आपको जो हिसाब लगाना आपके हिसाब से लगा लेना। और मैं अभी छूटा हूँ ऑफिस से, आई वर्क इन BPO कॉल सेंटर विच इज लोकेटेड इन एरोली माइंड स्पेस विच इज इन महाराष्ट्र इंडिया, एंड द कंपनी नेम इज गेब्स हेल्थ केयर सॉल्यूशन। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है। तो अभी मैं छूटा हूँ काम पे से और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अपनी आफ्टर जॉब लाइफ दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ प्लान किया मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए, जो रिवील नहीं करूंगा, जो व्लॉग के आगे जाके रिवील होगा। यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए मोटो व्लॉग का सेटअप भी रेडी किया हुआ है। अभी हेलमेट वगैरह लेकर आया हूँ मैं, तो मोटो व्लॉग का सेटअप रेडी करके डायरेक्टली आपको स्कूटी पे मिलूंगा, जिलो की शूटर अपनी जुपिटर, और डायरेक्टली स्कूटी पे मिलते हैं। लेकिन ये पहले मोटो व्लॉग का सेटअप कर लेते, स्पेशली आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इस ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी रात में, जहाँ आसमान में तारे 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 या नहीं वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस प्यारी रात में आप लोगों को मोटो व्लॉग दिखाओ, एक अलग नज़ारा। तो स्टे देयर एंड विल डायरेक्टली मीट। अभी ये पहले सेटअप कर लेता हूँ, ओके, सो स्टे देयर। शिट मैन, शिट, सारे प्लानिंग सारे किए कराए पर पानी फिर गया है, क्या बोलूँ मैं, मेरा दिल टूट गया है, टूट कर इस अंधेरी रात में बिखर गया है, क्योंकि मोटो व्लॉग का जो सेटअप था ये हुक जो है यहाँ से टूट गया है। बॉस, अब मैं कैसे लगाऊंगा, कैसे रेडी करूंगा अपना, अरे रे 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 रे, बैग में गिर गया, अरे शिट, यही होना रह गया था, बस गड़बड़ हो गई है बॉस, बहुत गड़बड़ हो गई है। ये देखो, दिस इज द होल्डर, और ये यहाँ पर ऐसा फिट होता है, और इन सब पर फिट होने के बाद ये यहाँ पर ऐसा बैठेगा और इसके ऊपर कैमरा लगेगा। जाए तो जाए, कहा करे तो क्या करे भैया। ठीक है, चलो, आपके भाई ने एक जुगाड़ ढूंढ लिया है, तो ये फिट तो हो गया है, बट व्हाट्स प्रॉब्लम विद दिस, जब मैं मोटो व्लॉग करूंगा तो ये थोड़ा एंगल नीचे तरफ होगा, तो अगर मुझे मोटो व्लॉग करना होगा आई हैव टू डू इट लाइक दिस। क्या हो गया यार, सीरियसली, मतलब ऐसे मोटो व्लॉग करूं मैं? अभी मुझे संडे को थाने जाके इसका होल्डर लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं मैं, लेकिन मोटो व्लॉग तो करूंगा, क्योंकि सामान लाया था मोटो व्लॉग करने के लिए, ये करूंगा, जो आगे जाके करना है उसके बाद वो करेंगे, और उसके बाद ये देखते हैं यार क्या करना है, पहले मेरा मूड ऑफ हो गया है। लेकिन एज यू नो, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, ओके। प्लान ये है कि हम जाएंगे एक मस्त गर्मा गर्म भुर्जी पाव खाएंगे। भुर्जी पाव खाने के बाद भी कुछ प्लान किया है मैंने छोटा सा, जैसे कि पूरा प्लान चौपट हो गया, तो भुर्जी पाव खाने के बाद का प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसके लिए बने रहिए, जैसे जैसे प्लान आगे जाएगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो अभी डायरेक्टली हम भुर्जी पाव वाले के यहाँ पर ही मिलेंगे। तो भाई गाड़ी से भी उतर गया और अंडा भुर्जी का ऑर्डर भी दे दिया है, सिंगल ऑमलेट, और ये ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम अंडा भुर्जी खाने का जो मजा है, और ये जो भाई हमारे बनाते एक नंबर बनाते, कल भी एक नंबर बना था। दादा नाम क्या है तुमसे? आमिर। भाई का नाम आमिर है, एक नंबर भुर्जी बनाई थी कल भी, इनके भुर्जी का स्वाद हमें दोबारा इनके पास खींच के लाया है। तो भुर्जी बन गई है, इसे शांति से आराम से बैठकर खाएंगे, यहाँ पीछे ही बस स्टॉप है। जो टेस्टी बनाई है भुर्जी, एक नंबर, वो लोग बंद कर रहे थे, ऑलमोस्ट शटडाउन कर दिया था उन्होंने, हमने कहा तो उन्होंने दोबारा खोल दिया, लवली। तो भाई भुर्जी वगैरह खा ली है एकदम कड़क वाली। तो भाई आपको बड़ी बड़ी बातें कहकर तो मैंने बताया था चांदनी रात होगी, ये होगा, तारे हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक प्यारा सा चांद वहाँ पर निकला हुआ है। तुझे मित्रा रमेश, अनिकेत। जब कभी भाई हम अपने व्लॉगिंग के जरिए कुछ नए लोगों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है, और ये चीज मैं अपने व्लॉग में पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, फिलहाल जब तक मैं वो मोटो व्लॉग का दूसरा सेटअप ले लेता हूँ, तब तक के लिए एक फेविकॉल लेते हैं, और फेविकॉल से वो जो पीस छोटा सा टूट गया होल्डर का, उसे चिपकाएंगे। इतने रात को 4 बज गए हो गए अभी, तो यहाँ पर एक 24/7 मेडिकल ओपन होता है, वहाँ पर जाएंगे, मेडिकल से वो फेविकॉल लेंगे, और देखते हैं फिर उसके आगे क्या करना है। मेडिकल शुरू होगा नहीं होगा अभी भी कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है, पूरा सब खराब तो हो ही रहा है, जो प्लानिंग की थी वैसा। चलो दादा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जो प्लानिंग की थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं, अब देखते हैं आगे की प्लानिंग की क्या धज्जियां उड़ती है, या वो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच।
तो भाई पहुंच गए हम स्नेहदीप हॉस्पिटल और यहाँ पर देखते हैं फेविकॉल है नहीं है। भाई डर लग रहा है मेरे को तो जाने में, क्योंकि पोपट होता ही आ रहा है। लेट्स सी, और अंदर तो शूट करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा आई एम नॉट श्योर। मेडिकल तो दिख रहा है बट शुरू है या नहीं कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। अंकल जी मेडिकल शुरू है? थैंक गॉड शुरू है। 4:20 हो रहे हैं रात के और हमारे मेडिकल में फेविकॉल लेने वेरी क्विक। जी एक्सक्यूज मी, जी फेविस्टिक चाहिए था। तो फेविस्टिक तो नहीं मिली। मैं जब अंदर घुसा मेडिकल में, बाप रे, पूरे मेडिकल में अंधेरा और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मेडिकल में नहीं घुस रहा हूँ, मैं किसी वीराने बंगले में घुस रहा हूँ। 2 सेकंड के लिए मैं डर भी गया पता है, शिट। और वो अंकल को आवाज दे रहा, मैंने कैमरा तक बंद कर लिया अंदर। वो अंकल को आवाज दे रहा, अंकल अंकल अंकल, वो सोया है कोने में अंकल। और मैंने उनको बोला फेविस्टिक है, पता नहीं अब एक्चुअल में नहीं है या उन्होंने सुना फेविस्टिक चाहिए, बोले अब ये 2 फेविस्टिक के लिए मैं क्या उठूँ इतने अंधेरे में, और उन्होंने बोला नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ भी प्लान अनुसार नहीं हुआ है, तो अगर फेविस्टिक मिलती तो ये व्लॉग और आगे बढ़ता, अभी फेविस्टिक नहीं मिली तो इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। और अभी मुझे ये सैटरडे शुरू हो गया तो मुझे सैटरडे काम पे भी जाना है, मतलब सैटरडे ऑफ होता है लेकिन इस सैटरडे वर्किंग हो गई है, क्योंकि क्या हुआ था हमारा जो सिस्टम है वो पूरा शट डाउन हो गया था मंडे को। तो हमें मंडे को 9:30 के आसपास घर पर छोड़ दिया, कहा कि जाओ ऐश करो, मौज मनाओ, धूम उड़ाओ, लेकिन आप लोगों को सैटरडे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई क्या करें, बुलावा आया है जाना पड़ेगा, सैटरडे भी काम करना है, दुख होता है लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बस इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं, फेविस्टिक मिलती व्लॉग आगे बढ़ता, फेविस्टिक नहीं मिली इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन में ऑल आएगा वो सिलेक्ट करो, और पुराने हो सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया तो भी सेम प्रोसेस फॉलो करो। बाय बाय, टेक केयर, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, बाय बाय। सो इट्स 4:30 AM और अब मैं आ चुका हूँ घर।